बताएंगे आपकी आज खापों की बैठक हुई है इधर। आज का 3 फरवरी का दिन एक किसानों के लिए शुभ दिन है। पिछले साल जब किसान आंदोलन टूट गया था गाजीपुर बॉर्डर से, तो 3 फरवरी में मेरी अध्यक्षता में उत्तरी भारत की खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चे की कंडेला खाप की तरफ से एक ऐतिहासिक पंचायत हुई थी। उसमें स्टेज भी टूटी थी और 40 किले गेहूं के भी टूटे थे। उसमें लाखों आदमी जुटे थे और उस आंदोलन को एक नया रूप धारण कर लिया था। वही आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख ने जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारा जो आंदोलन उठाया, 1 साल शांतिपूर्ण तरीके से चला, हमारे जो वादा किया था, वादा खिलाफी के खिलाफ आज खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और जो जितने हमारे जो संगठन आए हैं, जो जन कल्याण मंच हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उसकी हमने संयुक्त रूप से सिर्फ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उसके लिए हमने 7-8 मुद्दे रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो सरकार लटका रही है अभी तक किसानों पर, जितने और दूसरा मुद्दा जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति जितना भी मुआवजा सरकार ने 5 लाख या 6 लाख जितने भी सरकार से बात होकर होया था उनको अभी तक नहीं मुआवजा मिला है। और MSP पर गारंटी कानून के लिए जो सरकार ने कमेटी, अभी तक कोई कमेटी की कोई मीटिंग हुई नहीं, न अभी तक कोई कमेटी घोषणा करी है। और उसके लिए और एक जो शहीद स्मारक बनना था जो किसानों के नाम पर, उसकी भी अभी तक केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही। और उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री, हमने भी उसको प्रधानमंत्री किसान उसको वोट दिए मोदी को, इस बात के लेकर कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करूंगा, हमने 2 बार प्रधानमंत्री को वोट दिए इस बात पर किसानों ने, तो अभी तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। और 2 मुद्दे हमने खाप पंचायतों से जुड़े, इसमें हमारे जो 30 साल से खाप पंचायतें इसके लिए काम कर रही है, एक गाँव में एक गोत्र में लगते गाँव में शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उत्तरी भारत का मामला है ये, दक्षिणी भारत में तो इस तरह का मामला नहीं। इसके ऊपर हमारा एक मुद्दा ये है भाई, इसको कानून के लिए। और एक जो पिछले दिनों ये जो तलाश 18 से 21 साल से हमने कोई तलाश नहीं, सरकार करो बेसिंग 21 की ब्याह 25 की ब्याह 30 की ब्याह, आजकल तो पढ़ाई इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग 25-26 की लड़की ब्याहते हैं, लेकिन हमने एक बात का तराज है, जब आपस में गांव गुआंड में माँ बाप से बाहर बच्चा हो जाता है तो उनको कोई मंजूरी मिलनी चाहिए, इस तरह कोई नोडल अधिकारी या कोई SDM को नियुक्त किया जाए, अगर माँ बाप की अगर दोनों की सहमति हो जाए तो उनकी शादी की ऊपर मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो इस तरह के जो मुद्दे हैं हम लेकर आज सारे प्रस्ताव ये पास करेंगे, उसके लिए खाप पंचायतों की संयुक्त मोर्चे की ये जो पंचायत बुलाई गई है, और आज सरकार को हम 15 दिन का अल्टीमेटम देकर हमारी जो योजना बनेगी अब इसके बाद बताएंगे, तो सरकार या 15 दिन के अंदर ये सारे कामों करो, इसके लिए हम मीटिंग सुझाव रखेंगे अपने। चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव का भी बहिष्कार वगैरह कुछ ऐसी नहीं, उसके बारे में हमें देखो, हमें चुनाव के बारे में हमने किसी के वोट मांग देना हमने बारे लिखा, हम तो नहीं ये कहते हैं भाई ठीक है कोई बनो ना बनो, हमने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं, हमारे तो काम बनने चाहिए, जो किसानों की बात है मैं सिर्फ किसानों की बात करेंगे, हमने किसी का विरोध कर देना किसी का समर्थन कर दे। मैं राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा और संयोजक उत्तरी हरियाणा खाप। तो जिस तरीके से सरकार ने जो कमिटमेंट किया था और लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं उन पे उनको दोबारा उनको पारितोषिक दिए गए हैं, टिकटों से नवाजा गया है जो शामिल थे, और किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिन परिवारों के किसान शहीद हुए और जो किसान आंदोलन में किसान थे उन किसानों के परिवारों से लोगों को नामजद करके वहां पुलिस ने उठाया है, हिरासत में ले रखा है, और किसान आंदोलन में शामिल लखीमपुर खीरी के किसानों को और जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको, किसानों को प्रताड़ित बार बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, और कोई भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। और जहां तक मुआवजे की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा ने खास तौर पे हरियाणा के संदर्भ में जो शहीद किसानों की लिस्ट जो DIG अशोक आलोक मित्तल जी को जो सौंपी गई थी उसमें बार बार कांट छांट हो रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे CID के जो लोग हैं वो परिवार से बिना मिले अपने आप ही तो एक तुगलकी ऊपर मैसेज देते हैं अपने DIG चीफ आलोक मित्तल जी को। तो मुआवजे को लेकर परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये जहां मुआवजा मिल चुका है उनकी लिस्ट वहां मीडिया को नहीं दी गई है। हमारी ये मांग है
भी सरकार जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है या जिनके कागजों में कोई कमी है उनका एक श्वेत पत्र जारी करे। हम लगातार सीआईडी के संपर्क में हैं और कागज पूरे कर रहे हैं शहीद किसानों के, पर सीआईडी जो हरियाणा की जो सीआईडी है वो सीबीआई से भी जालिम जो रुख इख्तियार किए हुए है, और हमें उम्मीद नहीं है और कि उन शहीद परिवारों को न्याय सरकार देगी, और उसके लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो 5 मेंबरी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की बनी थी एमएसपी के बारे में जो बात होनी थी उस पर भी कोई बात सरकार की तरफ से कोई न्योता बातचीत का नहीं आया है। आंदोलन खत्म करने के लिए हमें लगता है जो झूठे आश्वासन सरकार ने करे हैं और अमली जामा उन वादों को नहीं पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार अपने वादों को लेकर गंभीर नहीं है, और सरकार ने अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो हम दोबारा से उस पहले से भी बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को सीरियस होना चाहिए और संवेदनहीन सरकार से हम ये मांग करते हैं, अगर सरकार जल्द से पटरी पर, समझौते की पटरी पर नहीं उतरती तो आंदोलन बड़े स्तर पर जारी रहेगा। और इस बार जिस तरीके से टेकराम खंडेला जी की अध्यक्षता में जो 3 फरवरी को जो स्टेज टूटी थी, मैं भी उस मौके पर था, लाखों की संख्या में किसान थे। आज उसको 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमने और संगठन को विस्तार देने के लिए और व्यापक स्तर पर पूरे देश में मैसेज देने के लिए पूरे देश की खापों को इकट्ठा किया जाएगा। और मैं विशेष तौर पर अपनी जिम्मेवारी मानता हूं वे पूरे उत्तरी हरियाणा में खाप पंचायतों का को पुनर्जीवित करके पुनर्संगठित किया जाएगा और उत्तर हरियाणा में भी अब मजबूती से खापे पूरे हरियाणा के साथ खड़ी होंगी। ठीक है, आज हमें इस किसान मोर्चा की तरफ से अपने किसानों की आवाज उठाने खातर आज इस बात तक इकट्ठे हुए हैं। टेकराम साहब ने इकट्ठे करे हाड़ तो इब जगह जगह के सारे न्यू संगठन बनने लग रहे हैं मजबूत। सरकार कोई चीज नहीं मान रही है, जुकर इसने जब न्यू की थी 750 किसान शहीद हुए हैं, 750 की जगह इब छाट बाट करा है। अक जो किसान एक्सीडेंट हुए हैं कू मरे हैं उनना हमें शहीद नहीं मानेंगे, लेकिन मरे तो है उसे मैं शहीद क्यों नहीं होंगे, वह शहीद है हमारा नाम के तो किसाना का नाम के उनना मुआवजा मिलना चाहिए। अरे जो हमारे मुकदमे है वे न्यूकते सरकार बल्या वापिस लेने लग रही है, कोई उल्टे नहीं हुए अब तक, उल्टे ये आने लग रहे हैं सबका घर ये संबंध, हाँ ये लाग रहे हैं 12 मुकदमे मेरे पर भी है, मेरा घर दोबारा फिर संबंध आ लिए तो फिर कुछ बात पर भरोसा करांगे। तो ये सारे संगठन दोबारा तो मजबूत नहीं होने लग रहे हैं भाई, दोबारा धरना पड़ेगा। इब कोई जो 5 मेंबरी कमेटी में थे 2 मेंबर वो टूट का जा लिए, वो एक राजनीतिक का ले गए थे, और उसमें भी आज हमारी सिंगू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें देखो के निर्णय ले होंगे आज। तो उसमें 5 मत वो काट दिए, जो एक नेता था हरियाणा का किसाना का वो जब पाली तो उसने न्यू कह दिया भाई जेजेपी बीजेपी का विरोध करो, और वो सब ने छोड़ कर सबके बाका के ऊपर मुकदमे करके वो आप राजनीतिक में चला गया। तो इसकी जगह हमें कोई ऐसे आदमी ने विश्वास लायक आदमी ने चुनांगे, मारा कोई हरियाणा का किसाना का नेता हो नहीं मांगे मानी तो दोबारा आंदोलन। हाँ दोबारा की तो तैयारी हो रही है, हाँ दोबारा की तैयारी हो रही है। इब जगह जगह ये तो मीटिंग होने लग रही है हमारी। तो इब सरकार ने हफ्ता 10 दिन 5 दिन का टाइम मांगा था, 31 तारीख ने हमने सारा वो दिए थे, जय 5 दिन में इन्हें दे दिए तो ठीक है, अन्य तो फिर अटका धरने शुरू। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुदेश कंडेला, महिला पंच महिला खाप की प्रधान, कंडेला खाप की प्रधान आप देख सकते हैं, यहाँ महिला प्रधान देख सकते हैं, यहाँ पर दोबारा चेतावनी दी गई है, तो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जुगड़ जाट धर्मशाला में जहां खंडेला खाप पंचायत के कुछ यहां पर किसान यहां पर इकट्ठे हुए थे और वादा खिलाफी जहां जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी यहां पर की है जी, उसके खिलाफ हम दोबारा यहां पर दोबारा फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, दोबारा फिर से आंदोलन चला सकते हैं। तो ये कहना है खंडेला पंचायत का, यहाँ पर देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जुगड़ते हैं, और हमारे किसानों के ऊपर जो मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं जी, हाँ मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको वापिस नहीं लिया गया, वादा खिलाफी जो सरकार ने हमारे साथ जो की है, वादा खिलाफी जो हमारे सरकार ने हमारे साथ किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर धोखा किया गया है। खंडेला पंचायत का कहना है, यहाँ पर किसानों का भी कहना है, अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा से फिर से
धरना प्रदर्शन दोबारा से फिर आंदोलन यहाँ आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ। मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद।